अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिकली आज हम आप सभी को पता है 23 जुलाई 2024 में यूनियन बजट फाइनल बजट आज हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और आज की इस क्लास में मैं बेसिकली बताने वाला हूँ कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो यूनियन बजट के जो हाइलाइट्स हैं, स्पेशली जो टैक्सेशन को लेकर हाइलाइट्स हैं, मेरी ये जो पर्टिकुलर क्लास है वो उन सारे लोगों के लिए जो फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए टैक्सेशन से संबंधित, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो इस क्लास में मैंने कवर किए हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी आपने आप में से बहुत लोग मेरी क्लासेस देख रहे हैं, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट्स यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा, जीएसटी, इनकम टैक्स और सारे टैक्सेशन और अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल हमारे देश में यूनियन इलेक्शन हुए थे, तो फरवरी मंथ में जो बजट प्रस्तुत किया था वो इंटरिम बजट था, है ना। तो उस बजट में इतना कुछ भी नहीं था। तो वो जब भी देश में इलेक्शन होते हैं तो जो इलेक्शन वाला ईयर होता है उस ईयर में पहले इंटरिम बजट डिक्लेयर होता है और उसके बाद जो फाइनल बजट होता है वो उसके बाद आता है। जब अभी जैसे अभी आया है जुलाई में, तो ये फाइनल बजट आपका प्रस्तुत हुआ है और ये 2024-25 ईयर के लिए प्रस्तुत हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस साल से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। देखिए, इस बजट में जीएसटी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि मेजर चेंजेस जीएसटी के 53rd मीटिंग जीएसटी काउंसिल की हुई थी उसमें कर दिए गए हैं। तो जुलाई से कई सारे चेंजेस जीएसटी में आपको देखने को मिले हैं। तो जीएसटी काउंसिल टाइम टू टाइम जीएसटी से रिलेटेड चेंजेस करती रहती है और मीटिंग्स करती रहती है, और जुलाई 2024 में ऑलरेडी जीएसटी में बड़े बदलाव हो गए हैं। तो अभी जो यूनियन बजट है उसमें जीएसटी से रिलेटेड कोई भी बदलाव नहीं किए गए। अब हम कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं। तो कस्टम की बात करें तो देखिए, कई सारी मेडिसिन्स और मेडिकल इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया, फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया। स्पेशली जो कैंसर से संबंधित तीन दवाइयाँ, ये तीनों दवाइयाँ अब अगर इंपोर्ट करोगे तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी थ्री मेजर कैंसर ड्रग को पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उन पर अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा चेंजेस हुए हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी में, एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स फॉर द यूज इन मेडिकल एक्सरे मशीन्स, उनके अंदर भी रेट्स में बदलाव हुए हैं, कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की गई है। ओके, अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें या मोबाइल फोन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की बात करें, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है 15% से कम, ये 15% कर दिया गया है, यानी रिड्यूस हुई है कस्टम ड्यूटी। प्रीसियस मेटल्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर पर भी कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की है, 6% कर दी है, और प्लेटिनम पर भी 6.4% कर दी है। तो अब आप देखिए, जिन ऑब्वियस सी बात है, जिन चीज़ों पर आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस हो रही है वो चीज़ें आपको अब आने वाले टाइम में आपको सस्ती मिलेगी, है ना, उनकी प्राइसेस रिड्यूस होने वाली। अदर मेटल की बात करें तो यहाँ पर निकल वगैरह पे, फेरो निकल, कॉपर वगैरह पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिमूव कर दिया है ना, और कॉपर स्क्रैप पर कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी 2.5% कर दी, कंसेशनल रेट कर ली। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कंडीशंस, ऑक्सीजन फ्री कॉपर मैन्युफैक्चरर वगैरह पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। तो ये आप कस्टम से रिलेटेड चेंजेस में देखेंगे तो कई सारे प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को रिमूव ही कर दिया है, कई सारे प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी की रेट्स रिवाइज की गई है, रिड्यूस की गई है। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी की रेट बढ़ गई है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर कुछ अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर कस्टम ड्यूटी की रेट 7.5% से 10% कर दी। पीवीसी फ्लैक्स बैनर के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, 10% से 25% कर दिया है। टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की बात करें तो 10 से 15% कस्टम ड्यूटी कर दी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर, है ना। तो कुछ ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको महंगी मिलेगी अब आने वाले टाइम में, तो ये कस्टम ड्यूटीज की रेट रिवाइज की गई है। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो
यहां पर अगर हम बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी 25 क्रिटिकल मिनरल पर फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया कस्टम ड्यूटीज को, और 2 क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है। ओके, सोलर एनर्जी पर बात करें तो अगर आप सोलर एनर्जी या सोलर सेल्स या पैनल्स को मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो कैपिटल गुड्स यूज करते हैं, जो मशीनें यूज करते हैं, उन पर से कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। तो ये आप सोलर एनर्जी से रिलेटेड एक मेजर अपडेट है। ओके, मैरीन प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए उन पे भी कुछ मैरीन प्रोडक्ट्स पर फिश फीड है ना, वॉर्म है, तो बहुत सारे ऐसे जो मैरीन प्रोडक्ट्स हैं उन पे कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है। ओके, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। लेदर और टेक्सटाइल की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी को हटाई दिया गया है ना। ये सारे कस्टम से रिलेटेड अपडेट है। देखिए जीएसटी में कोई चेंजेस नहीं है यूनियन बजट में, कस्टम में बहुत सारी कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस भी दिया, कई सारी कस्टम की रेटों को रिवाइज करके रिड्यूस किया गया, कुछ प्रोडक्ट्स पर रेटें बढ़ाई भी गई है। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो देखिए सबकी नज़र जब यूनियन बजट पे रहती है तो सबसे खास चीज़ जो रहती है वो इनकम टैक्स में क्या बदलाव हो रहे हैं उस पर रहती है ना, क्योंकि हर आदमी जुड़ा हुआ होता है इनकम टैक्स से। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में अब अगर हम बात करें तो अब देखिए इनकम टैक्स में भी बड़ा बदलाव हुआ है, टीडीएस की रेट्स में भी बदलाव हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे टीडीएस की रेट 5% से 2% कर दी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे सेक्शन 194 वगैरह के कुछ सेक्शंस में टीडीएस की रेट को रिवाइज किया गया है। टीडीएस रेट रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाई म्यूचुअल फंड और यूटीआई विड्रोल, उसकी टीडीएस रेट 20% कर दी गई। ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर की ऊपर भी टीडीएस की रेटों को रिवाइज किया गया, वो 1% से 0.1% कर दिया गया। तो ई कॉमर्स जो वेंडर्स होते हैं, जो ई कॉमर्स कंपनियों से के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, वहां पर भी कस्टम रेट जो अब पहले टीडीएस की रेट 1% हुआ करती थी, अब 0.1% हो गई। अगर हम रीअसेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए असेसमेंट कैन बी रीओपन्ड बियॉन्ड 3 ईयर्स अप टू 5 ईयर्स। आप देखिए आप सब जब रिटर्न भरते हैं, आईटीआर भरते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट होता है ना, लेकिन उसको रीअसेस किया जा सकता है, 3 से 5 साल कर दिया गया है ना। और ये उसी मामलों में किया गया है जब आपकी इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा का मामला है, यानी इनकम की चोरी का मामला 50 लाख या उससे ज्यादा का है, तो इसको 5 ईयर तक रीओपन किया जा सकता है असेसमेंट ईयर, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा सर्च केसेस में टाइम लिमिट को रिड्यूस किया गया है, 10 ईयर की बजाय 6 ईयर कर दिया गया सर्च केसेस में। ओके, तो यहाँ पर कुछ असेसमेंट से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन की हैं गवर्नमेंट ने। कैपिटल गेन, अब देखिए सबसे जो बड़ा झटका लगा है वो जो उन लोगों को लगा है जो शेयर वगैरह में डील करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह अर्न करते हैं, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा हार्श अब बजट रहा है बेसिकली, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पे पहले 15% फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ता था, अब उसकी रेट 20% कर दी गई है। तो देखिए आज इसका इम्पैक्ट भी आपको शेयर मार्केट पे नजर आया, स्टॉक एक्सचेंज आज सारे डाउन गए हैं लगभग 1% के आसपास। तो शॉर्ट टर्म एसटीसीजी के ऊपर टैक्स रेट कर दी आपकी 20%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो अब तक 10% लगता था, अब से 12.5% कर दिया गया है। तो आपकी एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों पे टैक्स रेट बढ़ गई है, यानी भविष्य में अब जैसे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, एसटीसीजी पे 20% और एलटीसीजी पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि एक राहत की बात ये हुई है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो आपको एग्जेम्पशन मिलता था 1 लाख रुपए का, उसको बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया है, यानी 1.25 लाख तक अगर आप एलटीसीजी कमाते हो पर ईयर तो आपको वो एग्जेम्प्ट है पूरी तरह से। वो पहले 1 लाख की लिमिट थी, इसको बढ़ा दिया गया है, 25,000 रुपए से बढ़ाया है, 1,25,000 कर दिया। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर तो जो और एक मेजर अपडेट यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, वो बताने वाला हूं फॉरेन कंपनीज से रिलेटेड मेजर अपडेट, यानी जो विदेशी कंपनियां, इंडिया में आपको पता हो तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40% से देते थे,
अब इनको रिड्यूस किया गया है और टैक्स रेट को 40 की जगह पे 35% कर दिया। तो फॉरेन कंपनीज पर टैक्स रेट को रिड्यूस किया है, 40 से 35% कर दिया, याद रखिएगा। इसके अलावा जो एफ एंड ओ ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी न्यूज है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं, जो सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर हैं, अब आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जो कि आप याद रखिएगा ये 0.2% कर दिया गया है, और फ्यूचर पे और ऑप्शंस पर 0.1% कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो इसको भी बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एनपीएस की, कॉन्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना, तो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है एनपीएस स्कीम के लिए, उसको 10% से बढ़ा के 14% कर दिया है एम्प्लॉयज की सैलरी। यानी आप एनपीएस में 10% कॉन्ट्रीब्यूशन की बजाय अब 14% कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर, आपको पता हो कि आपके पास अगर फॉरेन एसेट्स हैं तो आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब 20 लाख रुपए तक की फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तो नॉन रिपोर्टिंग आपको, मतलब अभी तो ये स्थिति थी कि भाई आपको फॉरेन में एसेट्स है और उससे कोई इनकम कमा रहे हो, तो आपको उसके लिए आईटीआर भी भरना और उसको डिक्लेयर भी करना है। अब आप 20 लाख तक उसको डिक्लेयर नहीं भी करें तो ये डी पेनलाइज है, मतलब इस पर कोई पेनल्टी नहीं है। उसके अलावा अगर हम और बात करें, तो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो वापस से न्यू टैक्स रेजिमे में बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स की जो नई स्लैब है 115 BAC, उसके अंतर्गत आपको अगर पता हो कि हर 3-3 लाख पर 5-5% टैक्स बढ़ रहा था और 15 लाख के बाद वो 30% हो गया, इसको थोड़ा सा बदला है गवर्नमेंट ने। पहले 3 लाख तक तो सेम है, कोई टैक्स आपको 0% है, मतलब देना नहीं है। पहले 3 से 6 लाख तक 5% था, अब 3 से 7 लाख तक 5% कर दिया है। और पहले 6 से 9 लाख तक आपका 10% था, अब 7 से 10 लाख तक आपका 10% हो गया है। पहले 9 लाख से 12 लाख तक आपका 15% था, अब 10 लाख से 12 लाख तक 15% कर दिया है। और 12 से 15 पे 20 ही था, इस पे भी 20 ही है, और 15 लाख से ऊपर पे 30% है। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है स्लैब में, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 से 6 की जगह अब 3 से 7 कर दिया है, 6 से 9 की जगह अब 7 से 10 कर दिया है, 9 से 12 की जगह अब 10 से 12 कर दिया, और आगे की स्लैब सेम। तो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और आपको मैं बता दूं, ये रिवाइज्ड बदलाव की वजह से जो सैलरीड इंप्लॉई है वो 15 लाख तक अपना 17,500 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। यानी इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, जो नई स्लैब है 115 BAC उसकी स्लैब में बदलाव हुआ है, रेट वही है, स्लैब में बदलाव हुआ है, और इस स्लैब का फायदा सैलरीड इंप्लॉय को मिलेगा, 17,500 रुपए तक की टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरीड इंप्लॉय को आपको पता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000, उसको भी बढ़ा दिया 75,000 कर दिया, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया है। अच्छा, एक चीज आप सब आपको पता है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको रिबेट मिलती है ना, तो अगर आप सैलरीड है और अगर आपको 87A की रिबेट मिलती है, तो 7 लाख तक तो आपको रिबेट मिल गई, और 75,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका मतलब 7,75,000 रुपए अगर कोई व्यक्ति सैलरी सैलरीड और कमाता है, 7,75,000 रुपए उसका टैक्स 0 बनेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं बनने वाला, क्योंकि 75,000 का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, और 7 लाख रुपए की इनकम पे उसको 87A की रिबेट मिल जाएगी, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी 0 हो जाएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 कर दिया, और इसका बेनिफिट लेते हैं सिर्फ सैलरीड इंप्लॉय, याद रखिएगा, जिनको सैलरी की इनकम है। अच्छा, फैमिली पेंशन के केस में, अभी तक आपको पता हो कि फैमिली पेंशन अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसको 15,000 रुपए तक की फैमिली पेंशन, जैसे किसी विडो को अपने हस्बैंड की पेंशन मिल रही तो वो फैमिली पेंशन है, तो 15,000 रुपए तक की पेंशन उसको एग्जेम्प्ट हो जाती थी, उसका डिडक्शन मिलता था उसको, अब वो बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। तो फैमिली पेंशन की जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको भी बढ़ाया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को भी बढ़ा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर स्लैब में भी बदलाव हुआ है, और उसका फायदा 17,500 रुपए से एक सैलरीड एम्प्लॉय उठा सकता है। ये थे आपके टैक्सेशन से रिलेटेड मेजर अपडेट। अब अगर हम पूरी अभी तक के जो अपडेट है उसमें अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें, तो जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड अपडेट है वो है, एक तो इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, याद रखिएगा इनकम टैक्स की स्लैब बदल गई है आपकी, नई स्लैब, जो आप नई स्लैब में आईटीआर भरते हो अब उसमें बदलाव हुआ है एक तो। उसके अलावा आपकी फैमिली पेंशन की जो लिमिट है उसमें बदलाव हुआ है, जिसको 15 से 25 कर दिया है।
उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव हुआ है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो 50,000 रुपये तक का डिडक्शन आप लेते थे वो आपका 75,000 हो गया है। तो ये चाहे वो नई स्लैब का फायदा हो चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा हो, तो ये ज़्यादातर सैलरीड एम्प्लॉय को ये फायदे मिलने हैं, राइट। जो नुकसान हुआ है वो हुआ है उन लोगों को जो कि अब शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की रेट बढ़ा दी है, डबल कर दी है गवर्नमेंट ने। तो एसटीटी जो लगता है वो बढ़ा दिया है 0.02% कर दिया है, तो ये एक नुकसान है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रेटें बढ़ा दी है, तो ये भी अब आप देखिए जो लोग इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं उनको अब इस तरीके की इनकम पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एसटीसीजी जो आपका पहले फ्लैट 15% लगता था, ठीक है, और उसको अब 20% कर दिया, और LTCG को सबसे बड़ा जो बदलाव है वो कर दिया है 10 से बढ़ाकर 12.5%, और जो इसमें आप 1,00,000 रुपये तक की छूट ले पाते थे इसको बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया, यानी 1,25,000 तक साल भर में LTCG होता है तो आपको वो एग्जम्प्ट हो जाता है। तो ये सब मेजर अपडेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देखते हैं, ये इनकम टैक्स अपडेट की क्लास से पहले की अगर आप मेरे यूट्यूब पे GST वगैरह से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, आप अकाउंटिंग फील्ड से हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देखनी चाहिए, क्योंकि मैं बेसिकली ये ट्राई करता हूँ कि अपनी एक क्लास में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करूँ और कम्प्लीटली समझाऊँ। तो ये आप मेरी कोई भी क्लास देखेंगे तो आपको वहाँ पर लगेगा कि मैंने सिर्फ हम लोग यूट्यूब पर नहीं डालते कंटेंट, अब हमने डालना शुरू किया है, हम प्रोफेशनल हैं और क्लासेस में पढ़ाते हैं वही कंटेंट, अब मैं कुछ क्लासेस यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है। सो बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको रेगुलर अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।